नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे किचन खुराना विद लव शव। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कलाकंद की रेसिपी। तो इसको मैंने राखी के लिए स्पेशल बनाने जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक तो बन पाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सॉस पैन में हम दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा लीटर फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध को हमने गर्म होने के लिए रख देना है। तो दूध में बॉयल आने वाला है, तो जैसे ही दूध गर्म होना स्टार्ट होएगा, बॉयल होना स्टार्ट होएगा, तो हम जो गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे ताकि दूध बाहर नहीं निकले, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना कम ज़्यादा आप करना चाहते हैं। और इसमें ऐड करूँगी छोटी इलायची का पाउडर, जिससे एक बढ़िया सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा रिड्यूस होने तक हमने बॉयल करना है। बीच बीच में हमने चलाते रहना है और जो भी मलाई साइड पे आएगी उसको बीच में हमने ऐड करते रहना है, ताकि जो हमारा कलाकंद है एकदम बढ़िया सा दानेदार बन के तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। तो अगर आप बाज़ार का पैकेट वाले पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको ग्रेट करके ले लीजिए, या फिर अगर आप घर पर बना रहे हैं फ्रेश पनीर तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको कुक होने देना है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा कलर भी आ चुका है दूध में और काफ़ी थिक हो रहा है। इसको हमने ऐसे ही थिकन होने तक कुक करेंगे, ताकि बढ़िया सा, जब तक थिक नहीं हो जाता तब तक हम इसको कंटिन्यूसली कुक करते रहेंगे। तो ये देखिए एकदम दानेदार कलाकंद बन के तैयार होगा। इससे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमने सारा दूध अच्छे से सुखा लेना है। जब एकदम थिकन हो जाएगा उस वक्त हम इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए दूध एकदम इस वक्त सूख चुका है इसके अंदर से एकदम बढ़िया से। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये हमारा कलाकंद ठंडा होता है, उसके बाद हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया से सारा दूध इसने सोख लिया है। अभी आप एक स्टील का बर्तन या कांच का बर्तन या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको ले लीजिए। उसके अंदर हमने एक रैप लगा लेना है और नीचे हम पिस्ता को बारीक काट के डाल लेंगे। और उसके बाद हम ये कलाकंद का मिक्सचर इसके अंदर फैला देंगे। तो ये सारा कलाकंद का मिक्सचर इसके अंदर जाएगा और उसके बाद हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से सेट कर देंगे। इवनली स्प्रेड कर देना है हमने अच्छे से, ताकि जब हम इसको पीसेस में काटें तो एकदम बढ़िया सी शेप आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से शेप दे दी है। इसके बाद हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। 4-5 घंटे बाद हम इसको चेक करके देखेंगे। तो ये देखिए कलाकंद अच्छे से जो है सेट हो चुका है। अभी हम इसको डिब्बे से बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम पीसीस में काटेंगे। तो ये देखिए अच्छे से निकल गया है इसका पेपर। अभी हम इसको नाइफ की मदद से लंबे पीसीस में काटेंगे। चलिए इसको काट लेते हैं फटाफट से। तो एक नाइफ ले लेना है हमने और नाइफ की मदद से हमने इसको लंबा काटेंगे, जैसे कि बाज़ार में कलाकंद मिलता है।
आप चाहे तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहते, प्लेन बनाना चाहते हो तो आप प्लेन भी बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से आपका कलाकंद बिना ड्राई फ्रूट के जो तैयार होगा। तो ये हमारा कलाकंद बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये मैंने राखी के लिए कलाकंद बनाया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और आप मेरी नई नई रेसिपीज़ देख पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, थैंक यू।